सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, कंटेंट क्रिएटर से लेके आज सारी दुनिया को आपका नाम और आपका डायलॉग पता है, औकात के बाहर हम जा रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जो जर्नी रही है? आपने जो मैंने जो बहुत पुरानी क्लिपिंग देखी है वहाँ से लेके आज हर किसी को आपके बारे में पता है। अभी आप एक कॉन्सर्ट में आए थे जुहू में, जी सारी मतलब किसी उससे पहले कोई और एक एक्टर आया था, मैं नाम नहीं लूँगा, जी लेकिन वहाँ पर आपका आपके नाम से गूंज हो रहा था कि भुवन जी को बुलाइए, भुवन वाह भुवन वाह। तो कैसे देखते हैं आप ये सारी जो जर्नी रही है? मैं तो एंड इसका पूरा श्रेय सिर्फ जनता को देता हूँ जिन्होंने एक दिल्ली के लड़के पे भरोसा जताया, बिल्कुल क्योंकि जितना क्लूलेस मैं था सोशल मीडिया को लेके उतना लोग भी थे। किसी को नहीं पता था सोशल मीडिया से 7 साल पहले क्या करेगा, क्या करेगा, करेक्ट इंटरनेट कहाँ था हमारे पास, जितना डेटा पैक में आता था उतना। उतना ही था। अभी तो इंटरनेट की भरमार अब जाके हुई है पिछले कुछ सालों में, पर उससे पहले जितना मुझे याद है लोग पेन ड्राइव में देखते थे बीबी क्वींस, हॉस्टल में चलती थी पेन ड्राइव। एक मेरे को किसी ने बताया अभी रिसेंटली कि वो मेरा कंटेंट पेन ड्राइव में कंज्यूम करते थे, वो बॉयज़ हॉस्टल में पूरा पेन ड्राइव घूमता था, फिर वो अपने लैपटॉप पे उसको डाउनलोड करके आगे पेन ड्राइव भेजते थे। तो मेरे लिए, मैं जनता का बहुत आभार मानता हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने एक ऐसा भरोसा जताया जो भरोसा ट्रांसलेट होके इतना दिया कि फिर मेरे में हिम्मत आ गई कि यार मैं एक OTT में भी ट्राई करता हूँ। बिल्कुल और उसके लिए फिर मैं हॉटस्टार को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया। मेरे को लगता है भरोसा जताते रहना चाहिए किसी पे अगर आप उनको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो। मतलब सबसे बड़ा मेरे को लगता है सपोर्ट सिस्टम, अगर आप किसी को बोलें कि मैं आपको कैसे सपोर्ट करूं, एक होता है फाइनेंशियल सपोर्ट कि कोई बोल दे कि मैं आपको चलो फलाने पैसे देता हूँ आप एक करके देखो, एक होता है भरोसा जताने वाला सपोर्ट कि अगर आप पे कोई भरोसा जताता है तो ऑलरेडी 70% चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। किसी को कॉन्फिडेंस देना बहुत बड़ी बात है, और मेरे को बिल्कुल जनता ने, मेरे को OTT प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी दिया यार, वो मेरे लिए बड़ी बात है बहुत। बिल्कुल। और अब आप औकात के बाहर जा रहे हैं, हाँ मतलब वो चादर मेरी जो थी वो थोड़ी और हल्की सी बड़ी कर दी मैंने, बड़ी हो और गई, हालांकि पैर बिल्कुल अभी भी मेरे बाहर है, मेरे लिए अभी भी सबको जो मिल रहा है वो सब औकात के बाहर है, बिल्कुल बिल्कुल। पर हाँ कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। सो रिसेंटली ताज़ा खबर की मैं अगर बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक बार में ख़त्म की है पूरी, एंड लोग बहुत एप्रिसिएशंस कर रहे हैं, और आपका गाना आया है जी और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो अब आप बताइए कि ये जो आप जा रहे हैं औकात के बाहर, अब रुकने वाले हैं या आपका सिलसिला ये तो शुरू ही किया है अभी। वही स्टार्ट हाँ किया अभी, है? तो हाँ ये अभी चलेगा ही सिलसिला, बस ये खुद से ही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो आग है जो जिस वजह से शुरू किया था कंटेंट बनाना, वो फायर कभी यहाँ से ख़त्म ना हो कभी। बहुत आसान है ख़त्म होनी वो फायर, बिल्कुल कि आपको लगता है चल अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो वो फायर धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है विद टाइम। मैं बस कोशिश करूँगा जब तक वो लॉ जलती रहे, वो चालू रखती है किसी को बिल्कुल भी, तो वो बस मेरे अंदर चालू ही रहे वो। बिल्कुल। सो अब जो भी आपकी जर्नी रही है उसमें मैंने देखा है बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी आए, जी कोविड भी आया जी मैंने सुना, जी आपके जी फैमिली जी मेंबर्स के लिए उसके लिए बहुत ही दिल से। तो कोई ऐसा टाइम भी आता है कि जब आप नर्वस हो गए थे या जब आपने कंटेंट क्रिएटर से आपने स्टार्ट किया था, तब आपने सोचा था कि ऐसा कुछ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है, या क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में जब आपने छोटा मोटा छोटे छोटी चीज़ों से आपने स्टार्ट किया था? अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, नाउ आज हर किसी को पता है कि औकात के बाहर भुवन बाम जा रहे हैं। वो मेरे को लगता है नर्वसनेस का, अगर ये सवाल है नर्वसनेस से रिलेटेड कि नर्वसनेस है कि नहीं, तो मेरे को लगता है वो हमेशा होती है। कुछ भी करने का जो पहला स्टेप होता है वो बहुत कठिन होता है, और मेरे को लगता है वो पहला कदम ही होता है खुद को मनाना कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरे को लगता है वो बहुत टफ होता है कुछ भी करें आप किसी भी फील्ड में, सिर्फ इस फील्ड में नहीं कह रहा मैं, अगर इसके बाहर भी कुछ आप करते हैं कोई भी फील्ड में अगर आप कुछ ट्राई करते हैं, तो मेरे को लगता है वो जो पहला कदम होता है खुद को मनाना कि हाँ यार ये मैं इसके लायक हूँ या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरे को लगता है वो बहुत कठिन होता है। और जब वो आ जाता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो मेरे को लगता है सब चीज़ें आसान हो जाती है। तो मेरी नर्वसनेस भी वहीं तक रहती है पहले कदम तक, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है लेना, खुद को मनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जी एंड मैंने सुना है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कई सारी लैंग्वेज भी आती है,
और बताइए कि क्या कुछ आता और कितने टैलेंट आपने अभी अपने अंदर रखा हुआ है, एंड अब वो वन बाय वन आप निकालने वाले हैं, तो सिंगर भी हैं और क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है मैं जितना मुझे मेरी सूच समझ के हिसाब से जितना मुझे आता है वो मैं धीरे धीरे हर प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा डालता रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक करता हूँ, बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं इधर उधर से देखता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ, ये करके देखता हूँ, ये ट्राई करके देखता हूँ, वो ट्राई करके देखता हूँ मेरे से हो जाती है चीज़ें। तो मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे ये सब आता है वो सब आता है या ये अब ट्राई करूँगा वो ट्राई करूँगा। मुझे थोड़ी पता था मैं इतने कैरेक्टर करने वाला हूँ जीवन में कभी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो बहुत सौभाग्य है कि मैं 21 कैरेक्टर किए मैंने अलग अलग तरीके के। कोई मामा है, कोई दोस्त है, कोई पिता है, कोई माता है, उसके बाद फिर वसंत गावड़े का कैरेक्टर करना, रफ्तार बहुत ही फ़र्क है ज़मीन आसमान का। कॉमेडी से एकदम डार्क रोल, फिर उसके बाद डार्क रोल से रफ्तार उसमें एक अलग रोल। तो मेरे को लगता है ये बहुत लकी हूँ मैं इन चीज़ों में कि मेरे को ये करने का मौका मिल रहा है एट सच एन अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर। तो मैं बड़ा ये चीज़ को बड़े उस तरीके से देखता हूँ और ये सब चीज़ें जो हैं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, और ये हमेशा सरप्राइज करती है मेरे को चीज़, और मैं इस चीज़ को लेके बहुत हमेशा सोचता हूँ कि कभी नहीं सोचूंगा लाइफ में कि क्या करना है मुझे। ओके, सरप्राइज में जो मज़ा है ना वो प्री प्लान में नहीं होता कभी। वो तो है बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि ताज़ा खबर का स्क्रिप्ट आएगा मेरे पास। ओह, कभी नहीं पता था मुझे। ओके, हम तो ढिंडोरा लिख रहे थे अब्बास भाई, हुसैन भाई और मैं, तब ढिंडोरा लिखते लिखते खाना खाते खाते उन्होंने मुझे ताज़ा खबर का ये लाइन सुनाया, तब फिल्म थी वो, उन्होंने बोला वस्या प्ले करोगे? मैंने कहा मुझे सुनाओ आगे। तो फिर उन्होंने बताया ये वस्या है वसंत गावड़े, इसकी ये लाइफ है। फिर हमने बोला कि उसको सीरीज़ में बना के देखें, कि हाँ बनाते हैं, फिर बन गई। पता ही नहीं था, विद इन एक रात में प्लान बना। मैंने कहा अच्छा लगा, अगर हिट करती है कोई स्क्रिप्ट, हिट करना होता है तो एक लाइन भी हिट कर जाती है, करेक्ट, और नहीं करना होता तो पूरी नरेशन सुन लो आप 3 घंटे की, उसके बाद भी समझ नहीं आती। समझ में नहीं आती, तो जो समझ में आती चीज़ें वो अभी मैं वो करने में बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये डायलॉग कहाँ से आया कि औकात के बाहर जाते हैं, कब, कैसे आप लोगों ने कैसे क्रिएट किया है, कहाँ से आया ये? पूरा श्रेय उनका है, उनकी लाइन है, सारी उनकी लाइन है, लेकिन ये लोगों के साथ इसलिए चमकी लाइन क्योंकि हम सब ये बहुत बोलते हैं आपस में। मेरे को याद है दिल्ली में स्टारबक्स आया था नया नया, और हम थे टपरी पे चाय पीने वाले बच्चे, स्कूल के बाद हम टपरी पे जाते थे, चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, इतने कैफेज थे दिल्ली में जहाँ पे हम जाके कॉफ़ी पीते थे। फिर अचानक पता चलता है कि एक स्टारबक्स करके चीज़ आई है, तो पूछते थे हम कि चलें स्टारबक्स आज, जिसमें सिर्फ स्टार जाते हैं, हाँ कि स्टारबक्स आ रही है चलें क्या हम? तो फिर वो बोलते थे कि यार नहीं जाते, ये औकात के बाहर है। अब आप सोचिए ऐसे कितने दोस्त आपस में एक दूसरे को बोलते होंगे कि यार रहने वो औकात के बाहर है, वो रहने वो औकात के बाहर है। तो मेरे को लगता है इसलिए वो लाइन इतनी रिलेटेबल भी है कि हम सब ने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यूज़ करी है वो लाइन। सुपर। एंड मैंने देखा, कुछ एक वीडियो देखा था, हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े सुपरस्टार है मिस्टर शाहरुख खान, उनसे भी मिले आप जी, तो कुछ कहना चाहेंगे आप कि आपने कुछ बताया उनको अपने बारे में, क्या कुछ हुआ अगर आप कुछ बता सकें? या मेरे को तो इतना याद है कि मैं मिला था जब उनसे, तब वो बहुत प्रमोशन करके आए थे, मतलब मेरा जो टीटू टॉक्स था उनके साथ वो लास्ट इंटरव्यू था दिन का, तो वो बहुत थके हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने एक सिटिंग में पूरे 8 पन्ने की स्क्रिप्ट बिना ब्रेक के एक बार पढ़ी और फिर बोल दी, बस यही है। मैं वहीं, मेरा जो फैन लेवल है उनके लिए वो और 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया ये देख के कि उनको फिर से स्क्रिप्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको याद रहता है सब कुछ, वो बहुत अच्छा सुनते हैं। ये क्वालिटी अगर आप में हो कि आप बहुत अच्छा सुनो, तो वो फिर सब आसान हो जाता है, और उनके लिए सब आसान है मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छा सुनते हैं। बिल्कुल। ओके, सो अगर आपको पता चले कि 10 मिनट आने वाले 10 मिनट के बाद आपको अरबों रुपए मिलने वाले हैं, ऐसी कोई खबर आपको मिल जाए, हाँ, तो क्या करेंगे आप? भुवन जी, मैं पहले जाऊंगा टॉयलेट। टॉयलेट, हाँ। ओके, मेरा इसके पीछे साइंस है प्रॉपर। आपको जब भी लगे कि आपके साथ जीवन में कुछ बड़ी हैपनिंग होने वाली है, नहीं कि आप
आपको जीवन में सरप्राइज, आप सरप्राइज होने वाले हो जीवन में, जब आपको लगे अरे यार ये चमत्कार मेरे साथ कैसे हो रहा है, आप उठें, आप सबसे नज़दीक जो टॉयलेट है वहाँ जाएं और आप सुसु कर दें। अगर आपको अपने शरीर में कुछ गीला गीला फील हो तो इसका मतलब आप सो रहे थे, करेक्ट, और नींद में आप टॉयलेट चले गए, फिर आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले जब मुझे ऐसा कुछ वरदान आएगा मैं टॉयलेट जाऊँगा, मैं सुसु करूँगा, क्योंकि अगर मैं गीला नहीं हुआ, अगर मैं सही में टॉयलेट में हूँ और मेरी नींद नहीं टूटी, इसका मतलब वो खबर सच्ची है, फिर आगे का प्लान करेंगे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले जब आपके साथ ऐसा कुछ सरप्राइजिंग हो, आप पहले वॉशरूम जाएं और पहले खुद मेक श्योर करें कि आप सपना नहीं दिख रहे। बिल्कुल। सो अपने बारे में, ये बहुत ही सुपर था, तो अपने बारे में किस तरह की ताज़ा खबर सुनने की इच्छा रखते हैं कि यार मेरे बारे में इस तरह की खबर आनी चाहिए, इस तरह की ताज़ा ताज़ा खबरें आनी चाहिए, ब्रेकिंग चलनी चाहिए? वो मेरे ख्याल हो गया, वो हमेशा सुनना था मुझे कि वोन माम का OTT डेब्यू, वो मेरे को हमेशा से सुनना था, तो मेरे को लगता है वो मेरे साथ हो गया। और लकीली वो ऐसा हुआ कि दो शोज आ गए बैक टू बैक, ताज़ा और रफ्ता, तो मेरे को लगता है ये एक ये खबर थी। और मेरे को अब किसी चीज़ का मुँह नहीं है, मेरे को बस इसका है और एक पहली बॉलीवुड फिल्म का है। हाँ, मतलब हर चीज़ का जो फर्स्ट होता है वो बड़ा स्पेशल होता है, स्पेशल होता, हाँ, तो मेरे लिए वो है कि अभी OTT का हो गया, अभी देखते हैं अगला फर्स्ट क्या होता है मेरे लिए। बहुत ही जल्दी ताज़ा खबर आने वाली है आपको, आई थिंक कुछ ही घंटे या कुछ दिनों में बॉलीवुड के ऊपर भी बहुत ही अच्छी खबर आएगी। अगर, क्योंकि आपने बॉलीवुड की बात की, अगर ऐसे कुछ लिस्ट बनाते हैं भुवन जी की ऐसे इस एक्टर के साथ, जैसे कि आपने मिस्टर शाहरुख खान जी के बारे में बताया, तो ऐसी कोई लिस्ट बनाते हैं कि मुझे इन एक्टर के साथ में काम करना है? मुझे एक्ट्रेस का नहीं पता फ्रैंकली, क्योंकि मेल फीमेल बोथ, यानी बोथ मुझे नहीं पता, क्योंकि वो डायरेक्टर का कॉल होता है, मुझे किन डायरेक्टर के साथ काम करना है ये मेरे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है सोचना। मेरे को श्रीराम राघवन सर के साथ बहुत मन है, मेरे को विशाल भारद्वाज सर के साथ बहुत ज़्यादा मन है काम करने का। ये दो डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मेरे को काफ़ी मन है कि मैं, अगर ना वो मुझे डायरेक्ट करें तो मैं कम से कम उस कमरे में तो बैठूं जहां वो बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल, मेरे को बस उनको सुनना है कि वो क्या बातें करते हैं, क्योंकि कितना नॉलेज का कितना महासागर है, तो वहां बैठ के अगर आप 2-3 चीज़ें 2 मिनट भी बैठ के कुछ सुन लेना बढ़िया, और वो कहीं जीवन में लागू हो जाए तो हो गया काम, फिर वो किसी भी फिल्म शेड्यूल से शूट करने से बड़ी चीज़ है। सो किस तरह की स्क्रिप्ट का इंतज़ार है आपको, लाइक भुवन जी को रोमांटिक हीरो, एक्शन, थ्रिलर? एक्शन का तो मन है मेरे को, हाँ एक्शन का मन है, रोमांस का नहीं इतना, पर हाँ एक्शन का मन है मेरे को। पर यही है सरप्राइजिंग, मुझे नहीं पता था मैं ये ऐसा ग्रे रोल करने वाला हूँ ताज़ा खबर में, इतना विचित्र सा आदमी हो जाता है जो पैसा मिलने के बाद, नेगेटिव रोल ही हो गया एक तरह से सीरीज में। बिल्कुल, मुझे नहीं पता था मैं वो करूँगा, क्योंकि मैं तो कॉमेडी करता आया था, वैसे ही अगर कुछ एक्शन टाइप मिलता है मेरे को लगता है स्क्रिप्ट होनी चाहिए अच्छी, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होगी ना तो फिर रोमांस भी निकल जाएगा, फिर एक्शन भी निकल जाएगा, फिर इमोशनल भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। स्क्रिप्ट के बड़े भूखे हैं आप और मैं और जनता जो देख रही है वो। बिल्कुल, वो अगर एक बार सही बैठ गया ना फिर उसके बाद तो रोल कैसा भी हो फ्रैंकली वो निकल जाता है, पर हाँ एक्शन करने का बड़ा मन है जीवन में। बिल्कुल। सो जैसा कि मैंने बात है कि एक्टर है आप, राइटर है जी, डायरेक्टर भी हैं, अच्छे अच्छे गाने भी लिखते हैं, सिंगर भी हैं आप, और अब कुछ देखेंगे हम आपको, आपकी आपके अंदाज में कुछ वो एक डिफरेंट ऐसे कुछ शायद मैं काम कर रहा हूँ एक नए कैरेक्टर पे, जो कि पहले तो फ्रैंकली मेरे यूट्यूब चैनल पे ही दिखेगा लोगों को, वो एक बार वहाँ पक्का हो जाए कैरेक्टर, फिर उसको शायद मैं लॉन्ग फॉर्मेट में कहीं लेके आऊँ, पर अभी मेरे को एक नया कैरेक्टर लाने की बड़ी उत्सुकता है, अभी काम कर रहा हूँ उस पर कि वो कैरेक्टर आ जाए एक बार। बिल्कुल आएगा वो, उसकी भी ताज़ा खबर आने वाली है। ऐसा लोग कहते हैं कि आप जो है यूट्यूब से लाखों रुपए कमाते हैं, तो डर तो कुछ ऐसा डर तो नहीं लगता है कि रेट पड़ेगी आपके घर पे या फिर वो सब? नहीं, यूट्यूब का तो सारा वाइट का पैसा होता है। हाँ हाँ, फिर क्यों पड़ेगी फिर क्यों पड़ेगी और टैक्स भरते हैं एकदम मस्त टाइम पे। ओके, बढ़िया। ओके, डर नहीं है आपको किसी चीज़ का? किस चीज़ का डर है? ओके, है ही नहीं, बस इस चीज़ का डर है कि खर्चे नहीं है जीवन में।
खर्चे कम है, मतलब बहुत सोच समझ के खर्चे, जो कि बड़ा आसपास के लोग बड़ा दुखी होते हैं इस चीज़ से कि प्लीज़ कुछ खरीद ले भाई, कुछ तो खरीद ले अपने लिए, क्योंकि सब कुछ यूजुअली क्या होता है अभी सब कुछ गिफ्ट है। गिफ्ट है, कहीं शूट किया तो वो जो कपड़े हैं वो बोलते हैं गिफ्ट मोहब्बत में क्या बिल्कुल। आप रख लो, क्योंकि मेरी अलमारी खाली रहती है, 2 जीन्स, 2 काली शर्ट, 2 सफ़ेद शर्ट, 2 3 टी शर्ट बस। दैट्स इट। हाँ, जूतों का बड़ा शौक है मेरे को। हाँ मुझे भी है। हाँ, जूतों का बड़ा पागल हूँ मैं जूतों के पीछे, तो किसी को अगर मुझे लाइफ में कभी तोहफा देना है तो जूते डिब्बे में डाल के दीजिएगा। उसके टैक्स नहीं भरेंगे। हाँ ओके सो आज बहुत ही स्पेशल दिन है, हाँ ऐसे ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, वैलेंटाइन डे कुछ है, नहीं स्पेशल, रोमांटिक डे है, आई कुछ डोंट नो स्पेशल क्या नहीं है। है। आप कितना बिलीव करते हैं, क्या कुछ प्लानिंग है इसके इंटरव्यू के बाद? आप कोई हैं जिनके 365 दिन प्यार होना चाहिए, आप एक दिन दिखाते हैं आप, एक दिन मदर डे बनाते हैं, एक दिन आप फादर डे बनाते हैं, आप सबको प्यार कीजिए 365 दिन। ये सब बाहर के चोचलेबाजी है, ये सब मेरे को लगता है ये जो दुकानें होती हैं जहाँ गिफ्ट मिलते हैं ये उनका चालू किया हुआ है चालू किया ताकि उनका बिजनेस बढ़े। मेरे को लगता है आप 365 दिन किसी से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, और रोज़ बताइए उनको कि हाँ जी मैं आप तुमसे प्यार करता हूँ, उससे बड़ी बात क्या होगी। एक दिन आप ले जाएँ गुलदस्ता, एक दिन आप ले जाएँ चॉकलेट और बोल दें ओके सुपर सुपर सुपर। जाते जाते अगर कुछ लाइनें अगर आप सुनाना चाहें, अगर जो भी आपके अंदाज में, कुछ भी आपने नई लिखी हो, पुरानी, आपका फेवरेट गाना हो, जो भी आप बार बार गुनगुनाते हैं। कॉपीराइट तो नहीं आएगा? नहीं, कॉपीराइट नहीं आएगा, नहीं आएगा, रियल भुवन हमारे सामने है ना, इसलिए नहीं, बट कॉपीराइट ऐसे है। कॉपीराइट नहीं आएगा नहीं गाने ऐसे हाथों नहीं में। आता, वो अच्छा हम बजाते हैं वो आता है, ऐसे अच्छा आपका नहीं आएगा। ठीक है। मेरा एक फेवरेट गाना है बहुत, मोहम्मद रफ़ी साहब का, ये दिल की ये शोखियां जनाब की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं। सुपर, थैंक यू, वाह सुपर, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, एंड गुड लक, थैंक यू। बस।